अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दियाँ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो जाने वाली हैं, ठीक है। मुझे मेरी जू को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूले। चलते हैं हमारे जू की तरफ जो बहुत ही छोटा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही बड़ा होने वाला आपके स्पॉट और आपके प्यार के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट करना तो आपके पास टाइम नहीं है फिर भी किया करें यार। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज बहुत ही मज़े की बात, व्लॉग पूरा देखना इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। यार जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो अगर आप लोगों ने पैरेट बजट पैरेट अपने पास रखे हुए हैं तो उनको आपने ये वाली फीड देनी है। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, 10-10 संडे लेने हैं अगर अपने तोतों से तो यार अपने भाई की बात को फॉलो करो यार। इनके केज में पालक और मेथी लाजमी रखो, दोनों में से एक चीज़ आप कोई भी रख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपका भाई आपको बताने वाला है और भी बहुत कुछ, तो अभी हम इनको दाना डाल देते हैं। जैसे कि आप लोगों को मेरी रूटीन का पता है, मैं रूटीन से कभी भी आप लोगों ने बोर नहीं होना यार, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने देखे कितने शौक से और कितने मज़े से क्या मतलब इतने अच्छे से खा लिया, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि इन्होंने इतना मतलब अच्छे से खाया ना कि एक भी चीज़ नहीं इसके रही, इतना इन्होंने खा लिया, ठीक है। इसलिए इनका ये मोस्ट फेवरेट है, इसको अभी हम लोग वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने वेस्ट कर देना, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे आपने फेंक देना तो और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनके जो बर्तन को आपने नीट और क्लीन करके वापस जो है नया डाल देना। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कितनी जो है उसमें रखना है, ये देखें इतनी आपके पास होनी चाहिए। आप ज़्यादा फुल, अगर मैं आपको बताता हूँ, आप इतना फुल कर दोगे ना तो ये बहुत ही वेस्ट करेंगे, तो ऐसे मत किया करो यार, ठीक है। आपने कम रखना है ताकि ये खाए भी और वेस्ट भी ना करें, अपनी बचत भी करें और अपने परिंदों की बचत भी करें, सारा कुछ साथ साथ देखते रहें। और यार अपने परिंदों की केयर ज़रूर किया करो, आजकल सर्दियाँ जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दियों में बहुत ही मुश्किल हो रहा है बहुत ही परिंदे। ये देखें जी यार, ये देखें अभी मैंने डाला और जैसे ही आप जो लोग देख रहे हैं कि मेरा जो पैरिट है वो कितने मज़े से और कितने अच्छे से खाने आ गए यार। मतलब ये वाला जो है ना आपने फीड लाजमी देना है, यही वाला दाना आप लोगों ने देना ताकि आपके जो है वो पैरेट जो है वो बच्चे भी दें और आपके पास खुश खुश रहें, चीज़ों को खुश रखना सीखें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब इनको मैंने दाना भी डाल दिया, पानी भी इनका फ्रेश कर दिया। पानी आप लोग देख रहे हैं कितना नीट है, ठीक है। और पानी बिल्कुल जो है मैं साफ़ रखता हूँ, पानी से यार सारे मसले मसाइल आते हैं। मैंने दाना भी इनको फ्रेश कर दिया, पानी भी डाल दिया और आप लोग देख रहे हैं ये जो है ना फ़ौरन से खाने आ गए। और इसी तरह यही रूटीन आपने रखनी है, इनको एक टाइम आपने दाना डालना, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट अपनी चीज़ों की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूले भाई, बार बार कह रहा हूँ। ये देखें जी, ये मेरी बहुत ही प्यारी चिड़िया है छोटी छोटी सी, और इनको भी हम लोग अभी दाना पानी बिल्कुल फ्रेश कर दे। जैसे आप लोगों को मेरी रूटीन पता है, मेरी रूटीन से आप लोगों ने बोर नहीं होना, जो आपकी रूटीन होती है आप उसी काम पे उसी पे व्लॉग बनाते हो, वही काम करते हो, तो इसलिए मेरी रूटीन यही है कि मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ मैं आपको लोगों को और भी बहुत कुछ बताता हूँ कि आपने इनसे ब्रीड कैसे लेनी है इनसे। तो अभी हम इनको बाजरे के साथ थोड़ा सा आइटम ये वाला तोता वाला मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो है ना खुशी खुशी खा लें। तो मैं अभी आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी, आप टाइम वेस्ट ना करूँ, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं व्लॉग को जल्दी जल्दी बना लूँ ताकि हर पूरे बातें बोल दूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, यही ना आपका टाइम वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं अपनी और चीज़ों की तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे जू में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। ये देखें, ये चलते हैं अपने बटेरों की तरफ जो सबसे ख़तरनाक और बहुत ही जालिम बटेरे हैं, जिनके पास जाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, फिर भी मैं ये हिम्मत रोज़ करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा यार पता नहीं क्या है करते हैं यार, इसलिए मैंने जो है ना हिम्मत से ये काम कर लिया। और इनको मैं डालता हूँ आजकल बाजरा, जैसे कि आप लोगों को पता है चार नंबर फीड में नहीं डाल रहा अपने बटेरों को, जो कि बटेरों के लिए होती है, बट फिर भी मैं नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि ये बाजरा ज़्यादा खुशी से खा रहे हैं, इसलिए मैं इनके आगे जो है ना बाजरा रखना पसंद करता हूँ ताकि जो है ना मेरा परिंदा खुशी से जो चीज़ खाए मैं उनको वही दूँ। पानी मैं इनको डाल देता हूँ, सर्दियों में पानी आपने डालना, ये नहीं कि नहीं डालना बट कम डालना है, कि मतलब एक टाइम में डालना है आपने सुबह में बस, ठीक है। नाइट में हमने पानी चेंज नहीं करना, वही पानी आपने इनके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बस ठीक है। देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से पानी भी पीने लग गए हैं, दाना भी, और लॉक हम लगा देते हैं ताकि कोई भी जो है ना परिंदा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ बिल्ली वगैरह जो है हमारे किसी भी परिंदे को नुकसान ना। देखो मैंने मेडिसिन दे दी है, ठीक है, बटेरा अब थोड़ा बेहतर है, ठीक है। अब दाना वाना खा रहा है यार, बस इन्हीं चीज़ों को फोकस किया करें कि अगर आपका परिंदा दाना खा रहा है तो वो ठीक है, वो जिंदा रहे। अगर वो दाना पानी खाना छोड़ दिया उसने तो फिर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। फिर भी आप लोगों ने केयर करते रहना है, केयर कभी भी नहीं छोड़नी, मरते दम तक आपने उनकी मतलब जो है ना केयर भी करनी, सारा कुछ करना। आप लोग देख रहे हैं कितना पानी पी रहे हैं, सर्दियों में भी इनको पानी चाहिए होता है भाई, तो हर चीज़ का ख्याल रखना है वो आपका फ़र्ज़ है। और चिड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं कि कितने मज़े से दाना खा रही हैं, बिल्कुल फ्रेश दाना मैं सुबह इनको डालता हूँ, ठीक है। और बाद सारा दिन ये इसी चीज़ को ये इन्जॉय करते हैं, और नहीं डालता क्योंकि मैं इनको एक टाइम भी मैंने रखा हुआ है, तो ये माशाल्लाह से इस तरह से
जो है ना बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप भी अपने परिंदों को एक ही टाइम का दाना रखें जो आपने डिसाइड करना है, या इवनिंग में या मॉर्निंग में। ये देखें जी, मेरी एक ही अकेली बेचारी चिड़िया रहेगी, उसको हम लोग जो है दाना डाल देते हैं। इनका मैं वो लेके आऊँगा, इसके लिए भी वो चिड़ी लेके आऊँ, फीमेल लेके आऊँगा। ये तो बेचारा जो है ना अकेला बहुत ही डिस्टर्ब हो। उसका पानी देखो भाई कितना गंदा कर दिया, इसका पानी हम फौरन से चेंज करते हैं। अगर इसने पी लिया ये तो बहुत ही इसके लिए मसला हो जाएगा। बर्तन को साफ करके पानी को दोबारा आपने डालना है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसीलिए बेहतर होगा आपके लिए। देखो मेरी चिड़िया जो है ना प्यारी सी वो खाने शुरू हो गई। मैं दरवाजे के साथ ही जो है ना आज पानी यहीं पर लगा देता हूँ, ताकि जो है ना इसको बिजी रहे और मुझे बिजी रहे। दूर जाने से फिर मसले होते हैं, आपको पता ही है। पहले भी मेरी जो है ना इसी तरह बहुत ही प्यारी चिड़िया उड़ गई थी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, इसका हम लोग जल्दी जल्दी पैर ले आएंगे, फिर ये भी बच्चे देंगे। और आप लोग देखेंगे मुजीमिनी जू में कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी आ गए यार। चले जी बात करते हैं, अब हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, वो तो आप लोगों को नजर आ ही गया। बहुत ही शरारती और बहुत ही जो है पागल चिड़िया के बारे में हम लोग बात करने, चाइना बर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा वो है साइको टाइप की, क्योंकि इसके पास मैं जब भी आता हूँ ये उड़ने शुरू हो जाती है और पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो जाती है। बहुत ही ड्रामेबाज, अभी तक इसे ये घर पसंद नहीं आया। मुझे लगता है ये अकेली है, इसलिए जब भी मैं इसके केज के पास आता हूँ ये इतनी उस तरह की फील करती है जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो मुझे ये बातें समझ आ गई हैं। दूसरे मेरे परिंदे जो है ना वो तो बिल्कुल माशाल्लाह से मुझे, मैं पास आता हूँ तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता होता है कि हमारा ये मालिक आ गया और हमें दाना पानी देगा। इसलिए इसको अभी थोड़ा मसला है, इसको हमने अभी चलते हैं हम अपनी मुर्गियों के पास, उनको आज मैंने क्या डालना है वो भी मैंने आपको बताना है। चलो जी आज अपने भाई के साथ साथ आप लोगों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो मेरे पास मुर्गियाँ ना इनको आज मैं क्या डालने वाला हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने हाथ के अंदर रख के कि मैं इनको क्या डालने वाला हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं पानी के अंदर, आपने उन्हें इसको ना पूरी रात्रि रख देना, सुबह आपने जो है ना उठ के इनको डाल देनी है। यार ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे जो है ना मुर्गियाँ बहुत जल्दी अंडे देंगी और उनकी जो है ना ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, ठीक है। जैसे कि मुझे हर चीज़ का पता चलता है, नॉलेज मिलता है, फिट भी हो। और ओ भाई मुझे मारो भाई, इसने तो मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा। तो अब हम इन लोगों को पानी डाल देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना यार। अब हम चलते हैं अपने कबूतरों की तरफ और देखते हैं कबूतरों ने कितने अंडे दे रखे हैं और कितने बच्चे दे रखे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।